तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर इस समय आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कार्य चल रहा है जो अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद आजमगढ़ को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि फोर्ड ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है और आप सामने देख रहे हैं कि मशीन आकर लग चुकी है जो ऊपर से जिसका पिलर रखना है उसका कार्य अब तेजी से चल रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो एयरपोर्ट की तर्ज पर भारत अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य जो चल रहा है वह काफ़ी तेजी गति से चल रहा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि सामने मूसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के बगल में नाला भी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। और इसके साथ मूसेपुर क्रॉसिंग से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन तक जो रोड पूरी तरह टूटा हुआ था वह रोड भी अब बनने जा रहा है। और रोड के किनारे जो पेड़ पौधे थे अब उसे काटा जा रहा है। लगभग देखा जा रहा है कि रोड की चौड़ाई लगभग देखने से लग रहा है 12-14 मीटर के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ को भी काटा जा रहा है मूसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि सामने तार भी बदले जा रहे हैं, जो पहले LT तार थे अब उसे केबल में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके साथ अब हम आ चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर, जिसकी चौड़ाई लगभग देखने से ही लग रहा है कि 15-20 मीटर के आसपास प्लेटफार्म नंबर 1 की चौड़ाई की जाएगी। और इसके साथ आप सामने देख रहे हैं कि 1 नंबर से 4 नंबर के बीच में नए फुट ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रूट पर मऊ और शाहगंज के बीच में लगभग 2-3 जगह फुट ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है, खुरासा रोड, सरायमीर और आजमगढ़। तो देखने से ही लग रहा है कि आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के तर्ज पर इसे सवारा जा रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। और प्लेटफार्म नंबर 1 पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ 4 नंबर पर बात की जाए, जैसे ही पूर्व ब्रिज का कार्य पूरा हो गया तो 4 नंबर से भी ट्रेन संचालित होने लगेंगी। और 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पर मान के चलिए 90% कार्य पूरा हो चुका है। और इसके साथ इस समय हमें प्लेटफार्म नंबर एक के बगल में जो पार्सल रूम नया बना है और वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। पार्सल रूम के बगल में आप देख सकते हैं कि GRPF और RPF के लिए नया थाना भी बन रहा है रहने के लिए। इसके साथ सामने आप देख सकते हैं कि फुट ओवर ब्रिज का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जो हाल ही में 508 स्टेशन में चयनित आजमगढ़ रेलवे स्टेशन भी हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार के लिए 34 करोड़ रुपये बजट में पास हुआ था। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिनसेट लगाने के लिए भी कार्य जोरों से चल रहा है। और बात की जाए तो प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 पर पूरे प्लेटफार्म पर टिनसेट रहेंगे। और प्लेटफार्म नंबर 1 पर सुनने में आ रहा है कि जैसे ही टिनसेट लगने का कार्य पूरा हो गया तो इसके नीचे से फॉल्स सीलिंग भी लगेंगे, जिसमें लाइटिंग भी लगेंगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जिस हिसाब से कार्य हो रहा है, अगर ऐसे ही कार्य होता रहा तो 1 साल में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और आप जो सामने ट्रेन देख रहे हैं वह आनंद विहार एक्सप्रेस है, जो मैं कोलकाता से जब वापस आ रहा था तो मेरी ट्रेन थी जम्मू तवी, जो शाहगंज में आकर खड़ी हुई। लगभग आनंद विहार एक्सप्रेस की टाइमिंग के हिसाब से 4 घंटा लेट थी, तो उसी समय यह ट्रेन पकड़कर सीधे हम आजमगढ़ चले आए। और इस समय आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर जो नए ढंग से उसे तोड़कर बनाया जा रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्लेटफार्म नंबर एक के किनारे पटिया रखा जाता है, उसे रखने के बाद अब प्लेटफार्म लगभग इसके बराबर हाई लेवल किया जाएगा। तो आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बदलने वाला है। और इसी के साथ आप लोग देख ही चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर क्या क्या कार्य चल रहा है। तो अब यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बात की जाए तो प्लेटफार्म नंबर 1 पर कार्य जोरों से चल रहा है।
तो आप लोगों ने देख लिया कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर क्या क्या कार्य चल रहा है। और इसके साथ अब यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। तो एक जर्नी भी थी हमारी आजमगढ़ से कोलकाता की, उसका भी अपडेट जल्द ही देंगे। इसके साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं।